सुसुखम वीवाम एसम नो नथ्य किंचनम पीति भक्खा भविष्याम देवा आभस्रा यथा जिन हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम लोग आभास्वर देवताओं के समान प्रीति भक्ष हैं बौद्ध मत में अनेक लोक लोकांतरों की मान्यताएं हैं देवी देवता भूत प्रेत गंधर्वादि की भी मान्यता है तो उनमें जो देवता है उनमें अनेक प्रकार के देवता उनमें एक प्रकार के देवता का नाम है आभास्वर देवता बड़ा प्रकाशमान उनका जो शरीर होता है प्रकाशित रहता है उनके लिए यहाँ कहा गया है कि हम लोग आभास्वर देवताओं के समान प्रीति भक्ष प्रेम का भक्ष करने वाले प्रेम के भूखे है कहते हैं कि एक बार तथागत बुद्ध भिक्षा लेने के लिए गए पूरे गांव में घर घर घूमते रहे लेकिन उस दिन उस गांव में उनको कहीं भिक्षा नहीं मिली क्यों क्योंकि मार ने उन लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर दिया था पलटा दिया था इसलिए सब उस दिन बुद्ध से विमुख हो गए मार काम काम की वासना मनोविकार एक काल्पनिक कथा है तो उस दिन जब मार ने सबको सब बुद्धि सब भ्रमित कर दिया था बुद्ध को कहीं भिक्षा नहीं मिली तब उन्होंने यह गाथा कही थी कि जिन हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम आभासर देवताओं के समान प्रीति भक्ष हैं सीधी बात यह है कि जो निष्काम हैं अनाशक आत्मतृप्त कोई उनका प्रतिकार करे अपमान करे तो वे दुखी नहीं होते अपने में तृप्त हैं तो दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है जिनका कोई शारीरिक स्वार्थ रह ही नहीं गया है कोई कामना मन में है ही नहीं तो स्वाभाविक ही उनके मन में सबके लिए प्रेम का व्यवहार रहता है जो प्रसन्नता करते हैं उनके प्रति और जो निंदा करते अपमान करते हैं उनके प्रति शारीरिक मुंह स्वार्थ अहंकार कामना को जीत लिया है मन में प्रेम का व्यवहार सबके लिए है ही वो इसकी चिंता थोड़े करते हैं कि कोई निन, हमारी निंदा प्रशंसा कौन करता है यहाँ अनासक्त अनाशक्त स्वार्थरहित ज्ञानी पुरुष कहीं भी रहे सुखपूर्वक वे जीवन व्यतीत करते हैं जयम वेरम पशवती दुखम सेत पराजितो उपसंतो सुखम सेत हित्वा जय पराजयम्। जय विजय बैर पैदा करती है पराजित हार जाने वाला दुख की नींद सोता है किंत जिन्होंने जय और पराजय की भावना राग और द्वेष का त्याग कर दिया है वह मनुष्य सुख से सोता है सीधी बात है और तो प्रत्यक्ष ही है किसी पर हम विजय की कामना करते हैं किसी को हरा दिए तो हारने वाला तो हमारे लिए बैर का भाव रखेगा ही रखेगा विजय तो कि कामना कहीं भी हो छोटे स्तर पर हो बड़े स्तर पर हो जितनी मात्रा में विजय की भावना होगी उतनी मात्रा में बैर पैदा होगी और जितने बड़े बड़े जो राजा महाराजा जिनको कहा जाता है जिन्होंने खूब मारकाट किया लड़ाई युद्ध किया वे सुखी कहाँ रहे हैं एक शत्रु को मार लेने पर अनेक शत्रु पैदा हो जाते हैं उनके संबंधी मित्र वो सब फिर वैर मानने लग जाते हैं तो विजय बैर पैदा करती है और दूसरों पर विजय करने वाले राजा महाराजा स्वयं एक दिन दुनिया से विदा हो गए रह गए आज भी ऐसे ऐसे क्रूर लोग हैं सत्ता के भूखे कि सत्ता पाने के लिए अपने विरोधी को क्रूर तरीके से मरवा देते हैं लेकिन सुख से थोड़े थोड़े क उनके विरोधी नहीं है अभी अखबार में आया था दो चार दिन पहले उत्तर कोरिया का शासक अपने फुफा को कैद किया के फुफा को विरोधी रहा होगा और 120 कुत्तों भूखे कुत्तों छोड़वा करके नोच उनके नो, उन्हें मरवा डाला कुत्ते भूखा रखा गया बंद करके उन्हीं के बीच में छोड़ दिया कुत्ते उसके नोच नोच करके खा गए कैसे कैसे क्रूरता आज की स्थिति में मध्ययुग के इतिहास में तो ऐसा पढ़ा जाता था लेकिन आज ऐसे लोग हैं और उन्होंने उसने अपने फूफा के पूरे परिवार को तीन पीढ़ी तक जितने भी छोटे बच्चे भी मिले हैं उनको भी मरवा डाला बावन लोगों की हत्या करवाया है अभी कुछ दिन पहले की अखबार में है दो दिन। उसके अपने फूफा के बहन भतीजे भतीजे के बेटे बेटे नाती सब को तीन पीढ़ी तक को मरवाया है दुखम से पराजितों पराजित दुख से सोता है पर यदि मारा गया मृत्यु हो गई तब तो कोई बातें नहीं है लेकिन हार गया है तो उसके मन में बैर की भावना बनी रहती है बदला लेने की भावना तो सुख की नींद नहीं सोखता तो जीतने वाला भी सुख की नींद कहाँ सोता है महाभारत को देखें कर्वों पक्ष की हार तो हुई तो मारे गए पांडव जीते रहे तो क्या पांडव सुख की नींद सो पाए जब तक जीवित रहे पांडव शोक से ग्लानि से डूबे रहे आसान जीवन व्यतीत करते रहे लड़ाई भिड़ाई मार काट कहीं सुख का रास्ता है ही नहीं लेकिन तृष्णा महत्वाकांक्षा आदमी को कितना भटकाती है सुखम सेति हित्वा जय पराजयम किंतु जिनके मन से जय और पराजय की भावना शांत हो गई है यहां जय पराजय जय कहा गया है यहाँ यहां अर्थ है जिसके मन से रागद्वेश शांत हो गए हैं वह व्यक्ति सुखम सेति सुख को छोड़कर हाथ जीत की भावना को छोड़ के सुख से सोता है तो उपसंतो सुखम सेति हित जय पराजयम जिसके मन में न राग है न द्वेष है वो सब समय शांत उसकी रात कड़ब बदलते हुए चिंता में व्यतीत क्यों होगी सुखी नींद सोगे वो सब समय आराम से दिन में भी रात में भी सब समय शांति शांति है इसलिए जय विजय की भोग की लालसा छोड़ करके जीने में ही आदमी को शांति मिल सकती है सुख मिल सकता है न थी राग समोद अग्नि न थी दोस्त समोह कली न थि खंधा समा दुख न संति परम सुखम राग के समान कोई आग नहीं है द्वेष के समान कोई कल मैल पाप नहीं है खंधा स्कंधों के समान कोई दुख नहीं है और शांति के समान कोई सुख नहीं है राग के समान कोई आग नहीं है हर आदमी तो राग मोह की आग में ही तो जल रहा है कहीं भी राग कर लें कहीं भी द्वेष बना लें तो मानसिक ताप से रात दिन जलना पड़ेगा बाहर क्या कहाँ जलाती है आदमी को कभी कोई सावधानी हुई आग लग गई निकल पाए तो बात अलग है लेकिन राग मोह की आ, आग में तो हर प्राणी जल रहा है और निरंतर जल रहा है जितना ज्यादा राग जितना ज्यादा मोह उतने मानसिक जलन कहीं भी चले जाए रागी मोही आदमी शांति नहीं पा सकता है जलता ही रहेगा मन उसका न थी दोष समोह कली द्वेष के समान कोई कली नहीं है मैल नहीं है पाप नहीं है राग से ही वसुता द्वेष द्वेष बनता है राग ना हो तो द्वेष कहां से बनेगा किसमें बनेगा द्वेष बैर का भाव द्वेष दूसरों को दुख पहुंचाने की दूसरों का अहित करने की भावना राग होता है तो आदमी कहीं एक जगह जुड़ जाता है उसके लिए सब कुछ उल्टा सीधा जा जा नजाद करना चाहता है अब जब द्वेष हो जाता है तब कैसे उसका अहित हो कैसे उसका नुकसान हो कैसे उसे दुख मिले बस यही चिंतन मन में चलता रहता है और जितना आदमी ऐसा सोचता है उतना अपने मन को मलिन करता है और ये मन की मलिनता ही पाप है मलिन मन के बिना कोई पाप कैसे होगा तो द्वेष के समान कोई कली नहीं कोई पाप नहीं है और जहाँ वहाँ फिर सारा दुख है ही न खंधा समा दुखा स्कंद के समान कोई दुख नहीं है स्कंद खंभा को कहा जाता है और अनेक इसे पेड़ के जो तना उसको भी इसकंध कहा जाता है लेकिन बौद्ध मत में स्कंध एक पारिभाषिक शब्द है नाम रूप वेदना संज्ञा संस्कार नहीं रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान इन पांचों के समूह को स्कंद कहा जाता है और बौद्ध मत में कहते हैं यही आत्मा है आत्मा कुछ नहीं है नाम है रूप है वेदना है संस्कार है विज्ञान है संज्ञाक अर्थ नाम ही होता है नाम शरीर का एक नाम है वस्तुओं का नाम है जानने जनाने के लिए वस्तुओं का नाम रखा जाता है रूप हर पदार्थ में रूप है ही वेदना सुख दुख की अनुभूति किसी चीज़ को हम ग्रहण कर देखते हैं सुनते हैं खाते हैं पीते हैं कह सकते हैं जब हमारी इंद्रियों का किसी भी पदार्थ से विषय से संपर्क होता है तो उस संपर्क से जो अनुभव है सुख दुख उदासीनता ये वेदना है ग्रहण करने के पश्चात उसकी छाप बनती है यह संस्कार है चैतन्य और चैतन्यता का बोध है वो विज्ञान है और इन्हीं सभी का समुच्चय आत्मा है तो इनमें राग कर लेना इनको ही आत्म, इनको ही अपना स्वरूप मान लेना कहना समझना कि यही मैं हूं ये दुख का कारण है तथागत बौद्ध मत में यह भी कहा जाता है कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं जत्वों से सर्वथा पृथक यही आदमी के बंधन का और भटकाव का आवागमन का कारण है और जिस दिन आदमी कोई भी हो इस आत्मभाव को छोड़ दे उसी क्षण उसका मोक्ष हो जाएगा सारे दुख का कारण अपने को आत्मा मानना है अब उनका वैसा विचार है यद्यपि बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है स्पष्ट रूप से लेकिन अनेक बौद्ध दार्शनिकों ने ऐसा कहा है तो यहाँ कहा जाता है कि स्कंधों के समान कोई दुख नहीं है नाम रूप वेदना संस्कार और विज्ञान इन पांचों का समुच्चय स्कंध है और इसमें को अपना मान स्वयं मानना यही दुख का कारण है न संति परम सुखम शांति के समान कोई सुख नहीं है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शांति ही तो है मन में शांति नहीं है तो सुख कहां है अशांत से कुतः सुखम आ गया अशांत आदमी को सुख कहां मन अशांत है कैसा भी भोग मिल जाए सुखी थोड़े हो आदमी मन शांत है कुछ भी ना मिले सुखी सुख है जब मन शांत है तो कुछ पाने की कामना ही नहीं रहती है और कामना त्याग करके ही शांति होती है शांत आदमी को जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं होगा अशांत आदमी को जीवन के सुख का अनुभव नहीं होगा इसलिए शांति के समान कोई सुख नहीं है शांति आएगी आत्मसंयम से जिघ्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा एवं नत्वा यथाभूतम निब्बानम परम सुखम भूख भयंकर रोग है संस्कार महादुख है इसे अच्छी तरह से जानकर विवेकवान निर्वाण को परम सुख कहते हैं भूख जिघच्छा यह परम दुख परम रोग जी अच्छा परमारोगा अब ये भूख शरीर की भी भूख हो सकती है और मन की भी भूख हो सकती है अब शरीर की भूख तो महारोग है ही रोज खाओ रोज खाओ रोज खाओ एक दिन खाली तो बस अब काम बन गया जीवन भर के लिए ऐसा नहीं है पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए आदमी कितना कितना प्रयत्न करता है भूख ना होती तो आदमी कितना आराम से जीवन जीता लेकिन सबसे बड़ा भूख सबसे पहली आवश्यकता तो भोजन की ही तो है जब तक शरीर है तब तक एक खाने पीने से और भूख से छुटकारा नहीं है और एक दिन में कई कई बार खाना पड़ता है भूख की चिंता ना होती तो आदमी आराम से अपना अन्य सब काम कर सकता था तो पेट की भूख तो रोग है ही सारी चिंता इसी के लिए इसके साथ मन की भूख तृष्णा और भयंकर रोग तृष्णा के पीछे दौड़ के पड़ करके आदमी कितना दौड़ रहा कितना दौड़ रहा है हाय रात दिन हाय हाय करता जा रहा है मन में तृष्णा है तो कभी आदमी चैन से बैठ नहीं सकता है और जो मिला है उसका भी सुख भोग नहीं सकता है तृष्णा प्राप्त वस्तुओं का भी सुख आनंद नहीं लेने देती है तृष्णा होने पर तो आदमी को लगता है जो मिला है सब बेकार है कुछ नहीं सारे ही नहीं तुछ। जो नहीं मिला है वो सुखदाई है उसमें आनंद है बस दौड़ता रहता दौड़ता रहता और जिसकी आशा करता है मिल गया तो और उसमें फिर और और की चाहना संखारा परमा दुखा संखार संस्कार या संस्कार वासनाएं जो कुछ हम देखते सुनते हैं उसकी जो छाप पड़ती है उसी तम उधर और खींचता रहता है वासना के कारण से तो ये जीव भटक रहा है तो वासनाएं ये दुख के कारण है ही एवं नत्वा यथाभूतम निब्बानम परमं सुखम इन सारी बातों को अच्छी तरह से जान करके जो विवेकवान हैं, ज्ञानी पुरुष वे निर्वाण को परम सुख कहते हैं निर्वाण के समान सुख और कहां है सारे दुखों की समाप्त सारे आशा तृष्णा इच्छा कामनाओं की समाप्ति है तो निर्वाण है और यहां दुख कहां रह गया निर्वाण वासनाहीन दशा निर्वाण करते कहते हैं बुझ जाना को यहां बुझने करत वासनाओं का बुझ जाना इच्छाओं तृष्णाओं का बुझ जाना वासनाएं समाप्त तृष्णा समाप्त दुख समाप्त तो यहां परम सुख है ही इसलिए निर्वाण परम सुख है यहां पर जाकर के कोई क्लेश रह नहीं जाता प्रपंच रहित दशा बस आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनम विषाद परम नाथ निबानम परम सुखम आरोग्य परम लाभ है संतोष परम धन है विश्वास परम बंधु है और निर्वाण परम सुख है आरोग्य परमा लाभ आरोग्य परम लाभ आरोग्य शरीर का स्वास्थ्य शरीर निरोग है तो ये बहुत बड़ा लाभ है निरोग शरीर है तो हम सेवा कर सकते हैं साधना करते हैं कल्याण का काम कर सकते हैं निरोग शरीर है तो कोई काम धाम कर सकते हैं निरोग शरीर में ही आदमी भोगों का भी भोग कर सकता है रोगी आदमी भोग का भी लाभ क्या करेगा कहा कि प्रथम सुख निरोगी काया कहा गया तंदुरुस्ती हजार नियामत अनेक प्रकार की कहावतें हैं शरीर रोगी है तो बारंबार मन उधर ही घूमेगा रोग के बारे में चिंतन करता रहेगा सोचता रहेगा दुखी उदास हताश बना रहेगा हर समय शरीर का ध्यान कहीं भी अब इतना बड़ा हमारा शरीर है ऐसे स्वस्थ शरीर है कोई चिंता ही नहीं है कि हमारे हाथ में क्या हो रहा है कि पेट में कि पीठ में कि नाक कान में कि पैर में और कहीं दर्द हो जाए पूरे शरीर चिंता छोड़ करके वहीं पर मन अटका रहेगा तमाम प्रकार इसलिए शरीर का स्वास्थ्य स्वस्थ रहना और साथ साथ मन का भी स्वस्थ रहना तन मन दोनों का निरोग रहना ये परम लाभ है तन तो निरोग है लेकिन मन रोगी बना हुआ है मन रोगी बने का क्या भोकामना में डूबे रहना बीमार उदास पीड़ित बने रहना तो आरोग्य तन मन दोनों का स्वास्थ्य परम लाभ संतुष्टि परमम धनम संतोष परम धन गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा संतोष है तो गरीबी कहां है संतोष नहीं है तो आदमी धनवान कहां है दरिद्र जो संतुष्ट कहा गया है दरिद्र कौन है जो असंतुष्ट है अरब पति होकर के भी असंतोषी आदमी महादरिद्र है और बहुत समान स्थिति में है कुछ भी नहीं है रहने का मकान भी नहीं है खाने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था भी नहीं है लेकिन संतोष है मन में तो दरिद्रता कहाँ है परम धन के पाप है ये बात केवल कहने की ही नहीं है ज्ञानी पुरुषों का यह अनुभव है और कहीं के भी ज्ञानी पुरुष किसी मत मतांतर के कहीं के ज्ञानी पुरुषों की वाणी पढ़ें तो यही अनुभव सबका होगा लेकिन आदमी संतोष नहीं रखता है कहते हैं संतोष कर ले तो, तो निकम्मा हो जाएगा आदमी निकम्मा बनने को कौन कहता है वैराग्यवान से वैराग्यवान संत जिन्होंने कहा कि दुनिया तो क्षण भंगुर है अनित्य है दुखदाई है उन उनकी वाणी में कहीं यह पढ़ने को नहीं मिलेगा कि आदमी को कामधाम नहीं करना चाहिए आलसी बनकर के बैठे रहना चाहिए वो त्याग वैराग्यवान संत जो भी हुए हैं स्वयं तो कर्मठ रहे हैं आदर्श रहा है उनका जीवन तभी तो थोड़े कह जाते हैं कि संतुष्टि बन जाओ तो तुम आलसी बनकर के बैठ जाओ आलसी आदमी संतुष्टि थोड़े होगा वो तो महासंतुष्टि रहेगा तमाम कामनाएं मन में संतोष का अर्थ है यथाशक्ति परिश्रम करो और जो मिले उसको बहुत मानो बस समझो कि हमें जो मिला है पर्याप्त है गुरु जी की भाषा में कहे तो साइकिल भी हेलीकॉप्टर है संतोष है तब अब नहीं संतोष है तो हेलीकॉप्टर भी क्या है हवाई जहाज बैग कुछ कोई मतलब नहीं है विश्वास परमानाथ विश्वास परम बंधु है आत्मविश्वास है अपने आप पर साथ वालों पर विश्वास तो उसे कभी नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूं और जिन लोगों के साथ रहते हैं घर में परिवार में समाज में जो भी दो चार दस बीस लोग जहाँ भी हो किसी का किसी पर कोई विश्वास नहीं है तो लगेगा कि लोगों के बीच रह करके मैं अकेला हूं क्योंकि भी विश्वास नहीं होगा उसको कि कोई काम पड़ेगा तो लोग मेरी सहायता करेंगे अब विश्वास है दूसरे के प्रति तो आश्वस्त रहेगा आदमी चिंता नहीं होगी निर्भय रहेगा भाई है अब भाई को भाई पर विश्वास नहीं है तो क्या होगा करेगा भाई और परस्पर विश्वास है तो निर्भयता है विश्वास न होने पर लगेगा कि कब ये साथ छोड़ दे चिंता विश्वास है तो ऐसा लगेगा कि दूर हैं अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम है विश्वास है तो लगेगा कि कोई भी संकट आएगा तो हमारा साथ देंगे इसलिए विश्वास ही भाई है विश्वास ही जात बिरादर के लोग हैं निबाणम परमम सुखम और निर्वाण परम सुख है इस प्रकार से जिसका शरीर स्वस्थ मन तृप्त संतुष्ट मन में विश्वास साथ वालों के प्रति और मन और निर्वाण वासनाहीन मन अब उसके जीवन में दुख कहाँ परम सुख है उसे सब समय सुख ही सुख है पविवेक रसम पीवा रसम उप सम्म होती निपापो धम्म पीति रसम पीवम विवेक का रस पीकर शांति का अर्थ पीकर और धर्म प्रीति का अर्थ पीकर मनुष्य निर्भय और निष्पाप हो जाता है अविवेक रसम पविवेक पतो एक उपसर्ग लगा पर विवेक रसम पित्वा विवेक का रस पीकर विवेक का अर्थ स्व पर की परख आत्मात्मा की परख लाग बंध मोक्ष की परख किसी तत्व किसी विषय को गहराई से अच्छी तरह से समझ लेना ये विवेक है जिसके मन में सप्तमी विवेक है उसे दुख कहाँ है लेकिन यहाँ विवेक पारिभाषिक अर्थ में है विवेक का अर्थ है एकांत वह एकांत बाहर का ही एकांत नहीं अंदर का एकांत बाहर के एकांत की आवश्यकता होती है कभी हल्ला गुल्ले में भीड़ भाड़ में ही रह करके कोई आदमी हमेशा शांत नहीं रह सकता साधना नहीं बन सकती व्यवहार के लिए भीड़ की आवश्यकता है लेकिन साधना के लिए भीड़ से अलग हटना भी पड़ता है लेकिन हम बाहर से तो हट गए बाहर के कांत हो गया मन एकांत नहीं है तमाम भीड़ तमाम भी इच्छा कामना तो वो एकांत सुखदायी नहीं होगा भीतर का एकांत कोई ऐसा भी हो सकता है जो सैकड़ों लोगों के बीच में भीतर जिसका मन एकदम शांत एकांत में हो और कोई ऐसा भी हो सकता है कि सुनसान जगह में जा के अपने को सैकड़ों लोगों के बीच घिरा हुआ महसूस कर सकता है क्योंकि तमाम वहाँ राग है द्वेष है इच्छा कामना है, तृष्णा है महत्वाकांक्षा है विषय विकार है तो घिरा हुआ है वो और कोई आत्मसंयमी है आत्मजयी स्वसमन वाला तो लोगों के बीच रहते हुए ब्यार करते सेवा करते भी वह एकांत है अकेला है तो भीतर बाहर का एकांत यही वास्तविक यही असली विवेक है समय से बाहर भी एकांत लेकिन मुख्य एकांत भीतर का अब एकांत का अर्थ क्या है मन में कोई कामना ना होना इच्छा तृष्णा विषय विकार ना होना निर्मल मन ये भीतर के एकांत है तो ऐसे एकांत रस विवेक का रस मतलब मन का शांत रहना विषय विकार से रहित रहना ये एकांत है और यही विवेक है इसका रस पी करके रसम उपसम रसम उप और शांति का रस पी करके शांति में डूबे रहना शांति का रस पीना है धम्म पीती रसम पीवम प्रीति का रस पी करके धम प्रीति का रस पीना जीवन का शुभाचारों में डूबे रहना कहता ये कि जितने भी शुभाचार्य सदगुण हैं उनके आचरण में लीन रहना या धम्म पीती का अर्थ पीना है और जो ऐसा होगा स्वाभाविक वह निदरो और निपापो निर्भय और अधिक पाप गए हैं जिसका भीतर एकांत मन में शांत जीवन शुभाचरण से संपन्न उसे किस बात का भय और किसके लिए वो पाप करेगा ऐसा पुरुष सब समय हर जगह निर्भय पाप रहित निर्मल जीवन उत्का साहू दसन्न मरियानम संवास सदा सुखो अदसन्न बालाना नीच में सुखी सिया आर्यों का दर्शन उत्तम है संतों के साथ रहना सदैव सुखदायक हैं किंतु मूर्ख व्यक्तियों की संगत मिलने पर मुक्त व्यक्तियों का सामना पड़ने पर मनुष्य ने मूर्ख व्यक्तियों का सामना न पड़ने पर उनकी संगत न होने पर आदमी सदैव सुखी रहता है पहली बात इस गाथा में कि साहु दर्शन मरियाणम आर्यों का दर्शन उत्तम है आर्य कौन आर्यकर्थ श्रेष्ठ सभ्य सुशील आर्यकर्थ चरित्रवान कृतेन ही भवेदारियों न धने न विद्या कहा गया है कृत से आदमी कृत आचरण से चरित्र से आदमी आर्य सभ्य बनता सुशील बनता है धन और विद्या से नहीं तो जो आचरण संपन्न है चरित्रवान है, वही आर्य है अब स्वाभाविक है ऐसे जो आर्य है चरित्रवान आचरण संपन्न ऐसे पुरुषों का दर्शन होना ऐसे पुरुषों संगत मिलना कितने सौभाग्य की बात है बौद्ध दर्शन की भाषा में कहें तब आर्य कौन जो श्रोतापन्न सकदागामी और अनागामी हैं वो आर्य है आर्य श्रेष्ठ उत्तम अतः श्रोतागामी श्रोतापन स्रोत में गिर पड़ना धारा में बहने लग जाना कोई धारा बह रही है किनारे चल रहे हो गिर गए धारा में अब बहने लग गए समझ लो जीवन कृतार्थ हो गया तब कहा जा गया तो मौत की बात है यहाँ लक्षणार्थ है स्रोत धर्म की धारा में इस प्रकार से लग जाना इस प्रकार से गिर जाना कि उससे अलग न हो पाए सीधा अर्थ होगा कि जीवन का ऐसा धर्मपरायण बन जाना कि अब किसी भी, भी लोभ मोह से भय से धर्म का त्याग न होने पाए यही है स्रोतापन्न होना कैसा भी विचलन आए कैसा भी भय आए ज्ञान विवेक वैराग धर्म के पथ को न छोड़ना यह श्रोतापन्न हो जाना है सत्य और सदाचार के पथ पर चलना श्रोतापन्न होना है और ऐसा जो है वो आर्य है ऐसे धर्म परायण का दर्शन होना स्वाभाविक ही उत्तम बात है सुखद है सकदागामी जिसका बस एकमात्र जन्म और होगा अगला जन्म इस जन्म में जिन्होंने पूरी साधना नहीं की पूरी साधना जो नहीं कर पाए किंतु उनका एक जन्म और होगा इस जन्म के परिणाम इस जन्म में मोक्ष नहीं हुआ तो जीवन पवित्र आचरण से व्यतीत हुआ तो अगला जन्म में जो मुक्त हो जाएगा इस जन्म के पश्चात एक जन्म और जो लेगा वो सगदागामी है सकृत आगामी और अनागामी वर्तमान जीवन जिसका अंतिम जीवन है इसके पश्चात जीवन ने लेना निर्वाण हो जाना है ऐसा पुरुष आर्य है तो अब कौन होगा विवेक वैराग्यवान संत जीवन मुक्त संत और ऐसे जीवन मुक्त संत का दर्शन हो जाए तो कितने सौभाग्य की बात उत्तम है ही ऐसे संत चरित्रमान निर्मल मिलते कहाँ हैं सन्निवास हो सदा सुखो तो यह भी कहा कि सन्निवास सतनिवास संतों के साथ रहना यह पहली बात तो कही गई कि ऐसे जो आर्य हैं चरित्रमान पवित्राचरण संपन्न उनके दर्शन उत्तम उसके बाद कहा जाता है कि ऐसे जो निर्मल संत हैं उनके पास रहने का सौभाग्य मिल जाए तो सदैव काल के सुख संतों की रहनी उनके जीवन का आदर्श उनके खान पान बाद हर कर्म प्रेरणादायक कल्याणकारी तो वहाँ सदा सुख मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि संतों के एक एक बात से एक एक क्रिया से ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन भी सुधर जाता है अदसंदन वाला नाम निश्चय में सुखी सिया। पहले कहा गया कि संतों के साथ रहना सदा सुख का कारण किंतु उसके बाद कहते हैं कि मूर्ख मनुष्यों का सामना न पड़ना जो अज्ञानी हैं गलत काम करने वाले हैं उनके संगत न मिलना सुखद है क्योंकि मूर्ख की संगत में होकर के क्या होगा सदैव भय पीड़ा तो वहां कोई सुख तो रहेगी नहीं मूर्ख कौन है यहाँ पर अनपढ़ के हम मूर्ख नहीं है अर्थ नहीं है मूर्ख वह है जिसे अपने हानि लाभ का पता ही ना हो कर्तव्य कर्तव्य का पता ही ना हो किंतु तो जो कर्तव्य को अकर्तव्य और अकर्तव्य को कर्तव्य समझता हो वह मूर्ख है कल्याणकारी कर्मों को जो अकल्याण बंधनदायी समझता हो वो मूर्ख है तो ऐसे मूर्खों का सामना न पड़े ऐसे मूर्खों का संग न मिले तो सुख है ही ऐसे के संग साथ रहना ही दुख का कारण है ऐसे इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहने की आवश्यकता है बाल संगाचारी ही दिग्ध्यानम सोचति दुखो बाले ही संवासो अमितने व सभ्य धीरो च सुख संवासो नातिनम व समागम <coughs> मूर्खों की संगत में रहने से मनुष्य निश्चित ही लंबे समय तक शोक में डूबा रहता है मूर्खों की संगति वैसे ही दुखदाई होती है जैसे शत्रुओं की संगति दुखदाई होती है किंत विवेकवानों की संगति उसी प्रकार सुखदाई होती है जैसे बंधुओं की संगति सुखद होती है बाल संगतचारी मूर्खों की संगत करने वाला अज्ञानियों के संगत करने वाला यह मूर्ख कौन जिसे अपने आध्यात्मिक लाभ की कोई सुझ ही नहीं है कल्याण के प्रति प्रति जिनकी कोई जरा भी रुचि नहीं है बल्कि उसके विरोधी बात करने वाले हैं वह बाल बुद्धि वाला है उसी को यहां कहा गया है मूर्ख जो रात दिन भोगों में उलझा हुआ है भोग ही जिसके लिए जीवन का लक्ष्य है ऐसे व्यक्ति ही बाल बुद्धि वाला है अज्ञानी है अस्वाभाविक है कि जो व्यक्ति ऐसे बुद्धि व्यक्ति की संगत करेगा उस बराबर की संगत में रहेगा वो लंबे समय तक शोक में डूबा रहेगा क्योंकि क्योंकि मिलेगी गलत प्रेरणा अच्छा काम करोगे तो करे कहां तू चक्कर में पड़ गए साधु महात्मा के कोई भी ऐसा अच्छा काम करोगे उल्टी बात ही बताएगा और उल्टी प्रेरणा ही देगा तो उसकी संगत करने वाला व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है दिग् धानम सोचती वो तो कहते हैं कि लंबे समय तक लंबे रास्ते तक शोक में डूबा रहेगा अध्वन रास्ता भी है अध्वन कर समय भी है मूर्खों की संगति करने वाला सदैव कह सकते हैं शोक सो, में डूबा होगा प्राय आदमी कोई गलत आदत कहाँ सीखता है अज्ञानियों की संगत में ही और आदत एक बार लग गई अब फिर जल्दी छुटना सरल थोड़े होता है और आदत में पढ़ करके आदमी दुखी रहते ही रहता है इसलिए मूर्खों की संगत अज्ञानियों की संगत न करें उनकी संगत कैसी होती है दुखों बाले ही संवासो अमितव सबदा जैसे शत्रुओं की संगत दुखदायी होती है ऐसे ही बाल बुद्धि वाले जो ज्ञानी लोग हैं उनकी संगत दुखदायी होती है जो लोग हमें अपना बैरी मानते हैं उनके बीच हमें रहना पड़ जाए तो क्या हम सुख से रह पाएंगे सदैव भयभीत, दुखी क्योंकि वो लोग हमें सदैव दुख देने का, का, का काम करते रहेंगे अज्ञानों संगत तो उससे भी दुखदायी ज्यादा है और शत्रु क्या करेगा कुछ हानि कर देगा रुपये पैसे की शरीर की अज्ञानी आदमी मूर्ख आदमी तो जो भूदृष्टि भो, वाला आदमी तो गलत पार पढ़ा पढ़ा करके संस्कार ही खराब कर दे, ये जीवन भी खराब अगला जीवन भी खराब सब समय दुख सब समय दुख इक, इसकी विपरीत धीरो सुखसंवासो सुख संवासो नाति नातिनम व समागमो जो धीर है प्रज्ञावान विवेकवान उनकी संगत कैसे सुखदाई होती है जैसे बंधुओं की संगत सुखदाई होती है ये जातिबंधु भी उपलक्षण मात्र है उदाहरण मात्र जैसे आदमी हैं अपने कुल कुटुंब परिवार वालों के साथ रह रहा है तो एक प्रकार से सुखी रहते हुए है आदमी अपने कुल कुटुंब परिवार वालों के साथ ही तो रहना चाहता है अन्य कुंब वालों के साथ रहना नहीं चाहता होता तो भाई ये पर लोग हैं पता नहीं कब साथ छोड़ दे जिनको अपना मानता है जाति बंधु उनके बीच में आश्वस्त हो जाता है आदमी तो ये केवल उदाहरण मात्र है जाति बंधुओं की संगत भी कुछ उठ जाए थोड़ी क्योंकि आखिर वही जाति बंधु जो है जिन्हें हम लोग अपना मानते हैं वही तो विषय का पाठ पढ़ाने वाले होते हैं न मो, मोह मोह बढ़ाने वाले वही तो लोग तो होते हैं और कहाँ से लोग सीखते हैं इसको लेकिन धीरवान की संगत जो प्रज्ञावान है विवेकवान उनकी संगत सब जगह सब समय के लिए सब लोगों के लिए सुखद होती है विवेकवानों की संगत किसी के लिए कहीं भी कभी भी दुखद हो ही नहीं सकती इसलिए अज्ञानियों अविवेकों संगत छोड़ करके सब समय विवेकवानों की संगत करें वहीं सदैव शाश्वत सुख मिलेगा क्योंकि सुख वग्गो में सुख का कारण बताया जा रहा है तस्मा ही धीरअ पन्न बहुत बहु, बहु, सुतंश धोर ही शीलम तम तादिशम सपुरुषम सुमेधम भजेत नखत पथम व चंदीमा जब धीरवान की संगत सुखदायी होती है इसलिए तस्मा ही इसलिए निश्चय ही जो विवेकवान हैं प्रज्ञावान हैं बहुश्रुत है, है बोझा ढोने में भार ढोने में जो समर्थ कहना चाहिए मेहनती उत्साही व्रतशील आर्य ज्ञानी बुद्धिमान और इस ढंग के जो अन्य लोग हैं उनकी संगत उसी प्रकार करें जिस प्रकार चंद्रमा नक्षत्र पथ का सेवन करता है चंद्रमा उगता है रोज यात्रा करता है पूर्व से पश्चिम यात्रा करता है नक्षत्र पथ सत्ताईस नक्षत्र माने जाते हैं साल भर में सत्ताईस नक्षत्र होता होते हैं और चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों में घूमता है जैसे कहा जाता है कि बारह राशियां हैं तो सूर्य राशियों में घूमे घूमता है एक राशि से दूसरे बारह एक महीना सूर्य एक महीना एक राशि में रहता है चंद्रमा कम है क्योंकि में नक्षत्र है तो तेरह दिन चौदह दिन रहता है इसीलिए पक्ष में टूट-बढ़ होते हैं चंद्रमा गति के अनुसार से वो तो अलग बात है तो जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का सेवन करता है उनके बीच ही रहता है इसी प्रकार सुख चाहने वाले जो मनुष्य हैं उनको किन की संगत करना चाहिए किन का सेवन करना चाहिए धीरंश जो धीर है धैर्य रखने वाला प्रतिकूल परिस्थिति में भी घबराने न ना, ना घबराने वाला सब समय शांत धीर विवेकवान पन्न प्रज्ञावान ज्ञानी किसी बात को गहराई से समझ लेने वाला वैसे भी और भी उसे दोहराया भी वैसे में प्रज्ञावान भी कहा गया है तो बहुश्रुत कहा गया है बहुश्रुत बहुत सुनने वाला यहाँ से बहुत जानने वाला बड़ा ज्ञानी श्रमशील धोरेशील भार ढोने में समर्थ जो बहुत बोझा लेकर करके चल सकता हो अर्थ परिश्रमी कभी जो प्रथम से घबराता ना हो व्रतशील जो संकल्प ले लिया जी जान से उसको पूरा करने में डूब गया व्रति हो आर्य उत्तम आचरण वाला और सुमेध बुद्धिमान ऐसे जो पुरुष हैं उनकी संगत में रहे उन्हें, उनका सेवन करे उनकी सेवा करे उनकी आज्ञा में चले तो जीवन पर्यंत आदमी सुखी रह सकता है आदमी को सच्चे सुख के लिए यही एकमात्र रास्ता है इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है